सो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास पेजी स्टोरीज बाय हरीश। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जापान का वीजा कैसे अप्लाई करें, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, पूरा देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए टेक ऑफ करते हैं। तो भाई जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हर कंट्री के वीज़ा अप्लाई करने के रूल्स और डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं। लाइक अगर अपन बात करें दुबई में, तो दुबई के डॉक्यूमेंट्स अलग थे, जो रिक्वायरमेंट है मतलब पासपोर्ट वगैरह तो सेम ही था, लेकिन उसके जो नॉर्म्स थे वो कुछ अलग थे। यहाँ जब हम जापान की बात करें तो जापान के नॉर्म्स भी कुछ अलग हैं। तो मैं आपको पॉइंट वाइज एक ही डिटेल करके बताऊंगा कि क्या क्या आपको कैरी करना है और क्या क्या आपको पहले सबमिट करना है वीज़ा अप्लाई करने से पहले, ताकि आपका वीज़ा जल्द से जल्द अप्रूव होकर आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर वन। देखिए पॉइंट नंबर में सबसे आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है इंटरनेशनल ड्राइविंग के लिए, वो होती है पासपोर्ट। तो आपको पासपोर्ट की फ्रंट और बैक की कॉपी, मेन पासपोर्ट और ओल्ड पासपोर्ट। देखिए यहाँ मेन और ओल्ड इसलिए क्या गया है क्योंकि कई लोगों का दो दो पासपोर्ट होते हैं, तो आपको मेन पासपोर्ट प्लस ओल्ड पासपोर्ट और पासपोर्ट की फ्रंट और पासपोर्ट के बैक की कॉपी आपको यहाँ सबमिट करनी है। डॉक्यूमेंट नंबर वन हो गया पासपोर्ट आपका। सेकेंड डॉक्यूमेंट की बात करें तो अपन है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए मैंने आपको भी यहाँ पे, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक साइट का लिंक दिया है, अगर आप उस साइट के लिंक पे जाएंगे तो आपको वीज़ा फॉर्म इजीली मिल जाएगा जापान का। तो वहाँ से आप वीज़ा फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ क्या क्या है फॉर्म के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको वीज़ा फॉर्म अभी दिख गया होगा, तो वीज़ा फॉर्म आप देख सकते हैं इजीली। और मैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ, नीचे भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीज़ा फॉर्म आपको पूरा फिल करना है, ठीक है। इसके बाद सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 मंथ्स। आपके पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट यहाँ रिक्वायर्ड है अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब देखिए इन्होंने क्या एक आइटनरी मांगी है आपसे। ये आइटनरी यहाँ क्यों देखिए वो समझ में नहीं आ रहा कि आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, तो आपकी जो भी एक रफ आइटनरी है, पहले दिन आप क्या करने वाले हैं, दूसरे दिन आप क्या करेंगे, तीसरे दिन आप क्या करेंगे और चौथे दिन, जो भी आपका 4-5 दिन का शेड्यूल है ना, वो पूरा आपको आइटनरी एक बार रफ उनको आइडिया देना पड़ेगा अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट हो गया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आइटनरी का आपको रफ आइडिया यहाँ देना पड़ेगा अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो, ठीक है। उसके अलावा होटल रिजर्वेशन आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा, होटल बुकिंग दिखानी पड़ेगी। देखिए जरूरी नहीं है कि आप बुकिंग करके पैसा खर्च करके पेमेंट करके ही होटल बुकिंग दिखाएं, अपना होटल रिजर्वेशन भी दिखा सकते हैं। booking.com का रिजर्वेशन वहाँ वैलिड है, booking.com से बुक करते हैं टिकट और वहाँ का आप दिखाते हैं कि भैया ये मैंने बुक किया था और ये मैंने रिजर्व किया हुआ है, पेमेंट नहीं किया था, वो भी वैलिड है। तो पांचवा जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड हो गया, आपका होटल बुकिंग रिजर्वेशन। इसके बाद आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना भूल गया कि आपको जो अपनी फोटो है पासपोर्ट साइज फोटो, वो 2x2 इंचज की पासपोर्ट साइज फोटो भी यहाँ लगानी है। अब देखिए फोटो में क्या, फोटो दो तरह की होती है, एक थी ग्लॉसी फिनिश में, एक होती है मैट फिनिश में। दोनों यहाँ एलिजिबल हैं, दोनों आप लगा सकते हैं। तो फोटो जरूर लगाइएगा अपनी 2x2 इंचज की। देखिए जो फ्लाइट बुकिंग है आपको वो एकदम कन्फर्म होनी चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि कई लोग फेक फ्लाइट दिखा देते हैं कि मैंने ये टिकट कराई है ताकि पहले वीज़ा अप्रूव हो जाए, इनके वीज़ा कैंसिल हो जाता है, उनका फ्लाइट का पैसा ख़राब हो जाता है। लेकिन आपको कन्फर्म फ्लाइट की टिकट ही वहाँ दिखानी है अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो। देखिए ये आप गलती मत कीजिएगा, आपने फेक दिखा दिया कुछ भी आप जुगाड़ करना चाहें तो वीज़ा एक बार में रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का क्लियरली ध्यान रखें कि टिकट कन्फर्म है, उसका आप PDF भेज सकते हैं, टिकट भेज सकते हैं। तो ये 6 डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा टिकट कन्फर्म फ्लाइट की। इसके अलावा ये जो है ये पूछते हैं कि आप डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है। अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपके मदर और फादर की बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं 6 मंथ्स की, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ट्रिप है ये स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, जो स्पॉन्सर कर रहा है जो स्पॉन्सर कर रहा है इस ट्रिप को, उनकी आपको ID देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक डॉक्यूमेंट आप जानेंगे कि स्पॉन्सरशिप मिल रही है आपको या खुद ही जा रहे हैं, डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है, तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब ये आपका प्रोफेशन भी पूछेंगे कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप ITR का भी आपको यहाँ विवरण देना पड़ेगा। डिटेल्स में आपको ITR अगर आप भरते हैं तो उसकी डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। तो ITR जरूर ध्यान रखिए, अगर आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं वीज़ा के कॉस्ट की। ये वीज़ा करीबन आपका 1100 से 1200 के बीच में कॉस्ट वेरी करता है, तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। ये यहाँ एम्बेसी जो है जापान एम्बेसी दिल्ली से आप मतलब नियरेस्ट है जयपुर से दिल्ली है तो वहाँ से एक्सेप्ट नहीं करती। मुंबई, कर्नाटक, बेंगलुरु में इसके काफ़ी सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी आपको पता करना पड़ेगा, लेकिन नियरेस्ट जो है दिल्ली है यहाँ से, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो एक वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दिया, वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए जो मैं बता रहा हूँ। अब मैं एक एक करके रिपीट कर रहा हूँ, आप एक बार ध्यान चेकलिस्ट ध्यान कर लीजिएगा। पासपोर्ट नया पुराना, ठीक है, पासपोर्ट फ्रंट बैक कॉपी,
फोटो बता दी मैंने आपको, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक स्टेटमेंट आपका 6 महीने का, इसके अलावा आइटिनरी आपकी, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, अगर आप जॉब करते हैं तो ITR, अगर ट्रिप स्पॉन्सर्ड है तो जिसके नाम से स्पॉन्सर्ड है उनकी ID, और अगर आप डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है तो मदर फादर दोनों का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। आपका जो वीज़ा है वो वैलिड रहेगा 3 महीने तक, और 3 महीने में आप एक बार के लिए 15 दिन आ सकते हो, मतलब वन टाइम विजिट होगी और 15 दिन की होगी मैक्स टू मैक्स वो, तो 3 महीना का वीज़ा है, 1100 रुपये इसकी कॉस्ट है। तो ये चीज़ है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर ये चीज़ अगर स्पॉन्सरशिप मिली है ना आपको, किसी से स्पॉन्सर होके जा रहे हो आप, तो इसमें 2 लेटर और मांगते हैं, ये कवरिंग लेटर और स्पॉन्सरशिप लेटर। कवरिंग लेटर में आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इसने स्पॉन्सर किया है इस जगह के लिए तो मैं जा रहा हूँ, और स्पॉन्सरशिप लेटर में जो स्पॉन्सर खुद कर रहा है कि मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ मेरी स्पॉन्सरशिप पे कि ये जाए इस कंट्री में घूमने। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर अपने डिपेंडेंट पर किसी का भी नाम देते हैं या देते हैं, तो पेरेंट्स से आपको NOC लेके वहाँ जमा करानी पड़ेगी। तो NOC में ये होगा कि हम अपने बच्चे को यहाँ जाने के लिए अलाउ करते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक एक करके नोट कर लीजिएगा, काफ़ी कुछ कोई ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है, 2-3 जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है वो बता दिए मैंने आपको लास्ट में। तो ये 3-4 लेटर्स का ध्यान रखिएगा और मेन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ ईजी है। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको आज की ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी अगर पसंद आई हो, थोड़ी सी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा उनके साथ जो जापान जाने वाले हैं या जो इंटरेस्टेड है जापान का वीज़ा अप्लाई करने में। इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन। इसके अलावा कोई भी आपका सुझाव हो या सवाल हो वो कमेंट जरूर डालिएगा। तब तक के लिए बाय।